मुलायम सिंह परिवार में रिश्ते भी थोड़े उलझे हुए तो हैं, इसीलिए बीजेपी की राहें आसान भी हो गई है और इस तरह बीजेपी मुलायम परिवार के चार चेहरों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो चुकी है। कौन सबसे बड़ा चेहरा है? उनकी बहू छोटी वाली अपर्णा यादव, जो कल बीजेपी में शामिल हो गई। इसके बाद साढ़ू प्रमोद यादव, जिनका नाम आ रहा है, आज ही कमल के खेमे में गए। तीसरा नाम है हरिओम यादव का, जो पहले ही मुलायम सिंह के समधी और पहले ही वो बीजेपी में शामिल हो गए इसी महीने। इसके अलावा मुलायम की एक भतीजी संध्या यादव भी बीजेपी से जुड़ी हुई है, बहुत पहले जुड़ गई लेकिन जुड़ी हुई है। बीजेपी इस संख्या में इजाफा भी करना चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुलायम परिवार के समीकरण इसमें मददगार साबित होते हैं, और वो कैसे आप समझिए। मुलायम सिंह की दो शादियां हुई है, पहली पत्नी का नाम है मालती देवी, जबकि दूसरी पत्नी जो है वो साधना गुप्ता है। पहली पत्नी मालती देवी के बेटे अखिलेश यादव है, दूसरी पत्नी के बेटे हैं प्रतीक यादव। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव है और प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव है, जो बीजेपी में गई है। इस तरह अखिलेश और प्रतीक जो है वो सौतेले भाई है, और सौतेले भाइयों के बीच पावर स्ट्रगल में ही पूरा परिवार इस वक्त दो खेमों में बट गया है। 2012 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव को सौंप दी। इसके साथ ही यादव परिवार में दरार पड़ गई, क्योंकि एक धड़ा अखिलेश यादव के साथ खड़ा था तो दूसरा धड़ा अखिलेश यादव के खिलाफ, और ये दरार इतनी बड़ी थी कि समाजवादी पार्टी ही टूट के कगार पर आ गई। 2017 के चुनाव में बीजेपी को परिवार में लड़ाई का जबरदस्त फायदा हुआ था। इस बार अखिलेश ने हार से कुछ सीख जरूर ली है, इसलिए वो परिवार में एक्टिव पॉलिटिक्स करने वालों को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसमें चाचा शिवपाल शामिल हैं। अपर्णा एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहती हैं, शायद यही वजह है कि अखिलेश ने उनके बीजेपी के साथ जाने को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हमें अपने राष्ट्र को सर्व करना है, हमें राष्ट्र धर्म से सर्वोपरि कुछ नहीं लगता है, और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने आज ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। अखिलेश बीजेपी में शामिल हो रहे परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, इससे वो सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहे हैं या बीजेपी को निशाना बना रहे हैं, ताकि परसेप्शन की जंग में परिवार में कलह सामने ना आए और सियासी ताकत की नुमाइश हो। इसके लिए उन्होंने उन सहयोगियों को भी मैदान में उतार दिया है जिन्हें वो बीजेपी से तोड़ कर लाए हैं। अपना एक अकेले जा सकती हैं, अपना वोट लेके जा सकती हैं, लेकिन अपना ये सोचें कि हम समाज का वोट ले जाएं, तो समाज का वोट तो अखिलेश यादव जी के साथ है। अपर्णा जी अगर भाजपा में गई हैं तो इसको बहुत खुश नहीं होना चाहिए, वो भाई बहन का मिलन है। अपर्णा जी भी मूलतः विष्ट समाज से आती हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी विष्ट समाज से आते हैं, तो ये भाई बहन का मिलन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, झगड़ा वहाँ भी है, लेकिन वहाँ का झगड़ा परिवार का झगड़ा नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों को टिकट देने का झगड़ा है। अपने वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा और संजय त्रिपाठी के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।